यहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है कि इनिशियल स्टेज पे जब कोई पेशेंट आता है, कोई बॉडी आती है, तो उसके साथ किस तरह से हमको काम करना होता है। जैसे यहाँ पे ये पेशेंट का ये बॉडी पड़ा हुआ है, तो इनिशियल स्टेज में इसके कपड़े बदलना या इसका ब्लड प्रेशर को नापना, या अगर इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो इसको कोई ग्लूकोज या कोई और मेडिसिन का सलाइन चढ़ाना, इसको किस तरह से इंजेक्शन देना है, छोटी से छोटी चीज़ जो इनिशियल लेवल पे करनी चाहिए वो हमको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, प्लीज़ उसको देख लीजिए। यहाँ पे हमको ब्लड प्रेशर नापना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरिंज यहाँ पे रखी हुई है बहुत सारे, कि कौन हर तरह के सिरिंज का जहाँ जहाँ हमको इंजेक्ट करना है उसका अलग अलग तरीका होता है। जैसे यहाँ पे इंजेक्ट करना है तो डिफरेंट है, यहाँ पे इंजेक्ट करना है तो डिफरेंट है। सो यहाँ पे ओवरऑल हमको इनिशियल जो चीज़ें होती है, जो इनिशियल स्टेज पे जो पेशेंट के साथ करना होता है, वो हमको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें, इफ़ यू सी ओवर हियर, यू विल सी सो मेनी ऑफ टूल्स आर कीपिंग ओवर देयर। इट्स ऑल अ बायोमेडिकल टूल्स की एक छोटी से कैची से लेके बहुत सारे टूल्स वहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत सारे टूल्स को मेंशन किया गया है, आपको वो देखना चाहिए। फिर हमको यहाँ बताया जाता है कि स्टिचेस किस तरह के होते हैं, किस तरह से उनको स्टिच किया जाता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचेस ओवर देयर, यू कैन सी फोटोग्राफ्स ओवर देयर, देर आर सो मेनी फोटोग्राफ्स आर अबाउट स्टिचेस, हाउ टू टेक अ स्टिचेस, किस तरह से मारने हैं, कौन से कंडीशन पे मारने हैं, वो वहाँ पे हैं। सो ओवरऑल हमारा यहाँ पे इनिशियल लेवल की जितने भी पेशेंट्स हैं, ट्रीटमेंट की जो भी चीज़ें होती है, वो हमको यहाँ पे पढ़ाया जाता है इस डिपार्टमेंट में। अगर हम अभी हम दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे हमको अलग अलग चीज़ें देखने मिलेंगी। सो विल गो टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट अगेन। ये सब डमी है यहाँ पे, जहाँ पे हमको प्रैक्टिस करना होता है। यहाँ पे मतलब जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मॉनिटर्स रखे गए हैं, यहाँ पे पीसीज रखा हुआ है, कि हमको एक पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए क्या क्या लगना चाहिए, मतलब उसके हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट पे हमको ध्यान रखना होता है। ये सब पढ़ाया जाता है हमको इन डमीज के ऊपर, ये जो बॉडीज पड़ी हुई है इनके ऊपर हमको ये पढ़ाया जाता है। यू कैन सी सो मेनी डमी बॉडीज आर हियर। और वैसे भी हमारे एक क्लास एक बैच में 12 से 14 स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि सबको प्रॉपरली समझ सके, यू नो, हर किसी को हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो सके। सो एक इतने रूम में 12 स्टूडेंट्स होते हैं, 12 स्टूडेंट्स के ऊपर हर एक चीज़ बताई जाती है हमको, कि हर एक एक बंदे को एक एक बॉडी दी जाती है। इन डिटेल में हमको बताया जाता है कि किस तरह से क्या करना है, और वो हमसे प्रैक्टिस भी करा के लेते हैं उसी वक्त में। इसे हम एंटीसेप्टिक से पहले साफ करेंगे, यहाँ पर जहाँ हमें इंजेक्शन का साइट है उसे हम 2-3 तरीकों से साफ कर सकते हैं। फिर हम इसको डिस्पोज कर देंगे, इस इंजेक्शन को फिर हम यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे रखेंगे। यहाँ पर बहुत तरीकों से इंजेक्शन लगाया जाता है, बट हम यहाँ पर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसको हम इस उंगली को यहाँ पर रखेंगे, जैसे हमें सिखाया गया ऐसे हम यहाँ पर रख करके इस उंगली को अंदर घुसा देंगे इस इंजेक्शन को, और फिर इस हाथ से पकड़ करके हम इस वाले लीवर को अंदर ढकेल देंगे, ताकि इंजेक्शन का जो भी पार्ट है वो अंदर चला जाए। फिर हम धीरे से इसके निकाल लेंगे और यहाँ पर एक कॉटन रख देंगे, और पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने हाथ को ऐसे मोड़ लीजिए, ताकि जो ब्लड है वो अंदर से बाहर ना आ सके। फिर हम इस चीज़ को जो ये हमने यहाँ पर लगाया है टाइट करने के लिए, इसे हम खोल लेंगे और फिर पेशेंट को बोलेंगे कि आप ऐसे ही रखे रहिए, और ये हमारा इंजेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। यहाँ पर इसको लपेटें पे इस तरीके से लपेटा जाता है प्रॉपरली, इसको जो है ठीक तरीके से टाइट कर लेना चाहिए, तभी सही ब्लड प्रेशर आता है। देन इसको ऑफ कर देना, इसके बाद पंपिंग एंड ब्लड प्रेशर स्लोली हमें बताया जाता है, एकदम धीरे धीरे जो है इसको खोला जाए, तो धीरे धीरे इसको जहाँ पे पल्स मिले वहाँ पे समझ लो कि सिस्टोलिक है, जहाँ पे पल्स ख़त्म हो जाता है वहाँ पे समझ लीजिए डायस्टोलिक स्टार्ट होता है। इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को नापना हमको सिखाया जाता है यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं। ओके, ये हमारा एनाटॉमी का क्लास है। इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 बच्चे होते हैं, जैसे हमारे बैच में सिर्फ 12 बच्चे हैं। 12 बच्चों को यहाँ पे ये प्रैक्टिकल क्लास है, जहाँ पे हमको हर चीज़ प्रैक्टिकली बताई जाती है। जैसे आप यहाँ पे इफ़ यू सी सराउंड्स, आप अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटी से छोटी मसल से लेके छोटी से छोटी वेन आर्टरीज हर चीज़ को मेंशन किया गया है। और इसके बाद हमारे लेक्चर्स भी होते हैं, जैसे एनाटॉमी का एक लेक्चर होता है, बायो का एक लेक्चर होता है, तो ये हमारे लेक्चर होते हैं वो यूनिवर्सिटी में होते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल होता है, ऑलमोस्ट 200-250 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ऐसा एक हॉल होता है जहाँ पे हमारे लेक्चर्स होते हैं। बट अबाउट क्लासेस, अबाउट प्रैक्टिकल, वो सिर्फ 12 का या 14 बच्चों का ही बैच होता है, ताकि हर एक स्टूडेंट को
छोटी सी छोटी जो बारीक से बारीक चीज़ हो वो भी समझ में आ जाए। सो ओवरऑल दिस इज़ एनाटॉमी क्लास। बाजू में हमारे अगर आप इसी क्लास के बाजू में एक और क्लास है जहाँ पे लाइव रियल ह्यूमन बॉडीज रहती है, जहाँ पे हमको ऑन द रियल बॉडीज हमको बताया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किस चीज़ का कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, हर एक चीज़ का प्रॉपर फंक्शन, हर एक चीज़ कहाँ से क्या कर रही है वो हमको बताया जाता है रियल बॉडी के ऊपर। उसके अलावा ये बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको एक छोटी छोटी मसल्स, किडनीज का पार्ट हो या एवरीथिंग, लाइक छोटा सा छोटा पार्ट भी हमको मेंशन किया जाता है, बताया जाता है। हियर इज अ ह्यूमन स्केलेटन फ्रॉम व्हिच वी कैन स्टडी आवर एनाटॉमी और बोन्स। देयर इज सम इट इज अ कैडावर एंड हियर इज सम टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंस व्हिच आर केप्ट हियर by which we can study. Here is the frog, dead frog, and in which is preserved in the glasses, like some parts here, the parts. There are many specimens which can be studied and used while our anatomy classes. This is very helpful to us to learn more and about anatomy of our human body and other animals also. ये हमारे यहाँ का प्रैक्टिकल रूम है जहाँ पे हमको रियल बॉडीज़ के ऊपर हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली रियल बॉडीज़ दिखाई नहीं जाती, मतलब ये जो प्रैक्टिकल बॉडीज़ होती दिखाई नहीं जाती, इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे। बट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सारी बॉडीज़ है जिनको हाइड करके रखा हुआ है, जहाँ पर हम ओरिजिनल हर एक चीज़ को देखते, लाइक एक छोटे से छोटे बॉडी से बॉडी का जो पार्ट होता है ना, एक छोटी से छोटी वेन भी हमको यहाँ पर मैंशन किया जाता है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी दे हैव मैंशनड इन अस, like and you can see every part, every tendons, ligaments, muscles, you can see here, like while our teacher teaching us, like जब भी हमको पढ़ाते हैं वो हमको एक छोटी सी छोटी बात भी बताते हैं, वो किसी चीज़ को हाइड नहीं करते या किसी डाउट को जो रहता है हमारा, अगर हमारे दिमाग में कोई डाउट है तो हम जब भी उनसे पूछते हैं तो हमको उसका प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं। सबसे बेहतरीन पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ही रियल बॉडी के ऊपर हर एक छोटी से छोटी चीज़ का डिटेल दिया जाता है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइक आर यूनिवर्सिटी, और अच्छा एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे आपको, मतलब हर, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। यहाँ आने के लिए जो प्रोसीजर था वो बहुत आसान सा प्रोसीजर था, जैसे मुझे पता चला था एक सोशल मीडिया से, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी कंपनी है PSP नाम की जहाँ पे तुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, दिल्ली में उनका ऑफिस है, उस ऑफिस से मुझे सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया अबाउट कि किस तरह से पढ़ना है, कहाँ जाना है, कौन कौन सी प्रोसीजर है। फिर जैसे मैंने कन्फर्म किया मुझे जाना है, तो आई गॉट एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर फ्रॉम दैट कंपनी। फिर मेरा वीज़ा लग गया और विद इन अ 20-25 डेज में मैं सीधा यहाँ आ गया। यहाँ आते ही हमारा एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करने के बाद तुम्हारा सीधा सिलेबस चालू हो जाता है। मतलब इतना बड़ा लेंदी या कोई ऐसा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ओनली यू नीड टू कॉन्टैक्ट टू दैट देयर ऑफिस, लाइक PSP जो कंपनी का नाम है, उस कंपनी के थ्रू आया हूँ मैं यहाँ पर। एवरीबडी, लाइक मैं जैसे महाराष्ट्र से हूँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से है, गुजरात से है, झारखंड, राजस्थान से है, ये झारखंड से है, सो अलग अलग स्टेट से आए हैं, लेकिन एक ही हमारा मीडियम रहा है, PSP नाम की कंपनी है हमारे सर की, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। We have more than 1,000 foreign students in our university. But as for Indian students, they're special students for us. They're not only industrious and polite and very friendly students. They are very good at their studies and they're very good at their social life. We're so happy to have them at our festivals. They perform different performances of their national culture. And the citizens of Ulyanovsk region are very happy to see them on holidays in parks of Ulyanovsk and in different festivals. We have many common plans, and I'm sure that we will realize all of them. And I wish our students, our Indian students and all foreign students to be healthy, wealthy, and to reach the main aim of their life. And if to take into consideration that all of them are medical students, I wish them to become
the best doctors. And I invite students from different countries and especially from India to come to Ulyanovsk State University. Welcome to Russia, welcome to Ulyanovsk, welcome to the best university of our country.